इंडस्ट्री में मेरे ना दोस्त नहीं है मेरे उस वक्त ऑर्कुट होता था ऑर्कुट बहुत था तो ऑर्कुट पे हमने गाना डाला रफ्तार ने डाला अपनी आईडी से क्योंकि इंटरनेट उसके घर पे था तो हनी भाई का मैसेज आया हमको ऑर्कुट पे यू गाइस आर अंडर स्पॉटलाइट कम एंड मीट मी क्या था माफिया मंडीर मेरे को समझाओगे कि क्या था हाँ 2009 में मेरा और हनी के बीच में ब्रेक आ गया थोड़ा मैं फोन करता फोन नहीं उठा रहा था और ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बनाए हुए हैं खाली खाली पेपरों पे आपने साइन कराए हुए हैं हमें पता भी नहीं और आप कर लोगे हनी पाजी के साथ कोलैब अगर आता है यार देखो क्या होता ना हमारी ना भड़क निकल जाती है हमारी प्रॉब्लम है पर्सनल आपके अभी अभी क्या है क्योंकि हनी सिंह का कमबैक हनी सिंह बादशाह रफ्तार तो कौन है इस हिप हॉप इंडस्ट्री का किंग तो क्या सच में ही इंडिया को हिप हॉप में लाने वाले ये तीनों ही थे और ये बार बार तीनों आपस में क्यों कंट्रोवर्सी करते रहते हैं और ये माफिया मुंडीर का मामला क्या है इंडिया में हिप हॉप या रैप का नाम सुनते ही हमारे माइंड में तीन हमेशा नाम आते हैं हनी सिंह बादशाह और रफ्तार ये तीनों ही एक टाइम पे ओजी रहे हैं ओल्ड गॉड रहे हैं इस इंडस्ट्री में और ये रैप इंडस्ट्री को बहुत ही आगे लेकर गए हुए हैं और यही मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड हिप हॉप इंडस्ट्रीज या फिर हिप हॉप कल्चर के बारे में तो ये 1970s से स्टार्ट हुई थी जो कि न्यूयॉर्क सिटी में एक ब्रोक्स नामक की जगह से अफ्रीकी अमेरिकियों ने और कैरेबियन ने शुरू की थी और ऐसा एफ्रो कैरेबियन का मानना भी था कि इस हिप हॉप के कल्चर से कोई भी चीजें बहुत ही आसानी से बता सकते हो और वही मैं बात करूं इंडिया में देसी हिप हॉप कल्चर के बारे में तो आपके मन में भी ये तीन नाम आते हैं वही हनी सिंह बादशाह रफ्तार बट ऐसा नहीं है ये इंडिया में देसी हिप हॉप के किंग बाबा सैगल और बोहिमिया को माना जाता है और इंडिया में देसी हिप हॉप का कल्चर ईयर 2000 में स्टार्ट हुआ था और सैगल के करियर का फर्स्ट फेमस सॉन्ग 1992 में रिलीज हुआ था जो कि ठंडा ठंडा पानी था और वो काफी ज्यादा हिट हुआ था और वहीं पे बोहिमिया का फर्स्ट रैप सॉन्ग जो बहुत फेमस हुआ था वो 2002 में जो कि बीच परदेसा दा करके सॉन्ग था और ये भी काफी ज्यादा हिट हुआ था और इसी टाइम से इंडिया में देसी हिप हॉप का कल्चर स्टार्ट हुआ था और गाइज मैं ये भी बता दूं एक टाइम पे रफ्तार हनी सिंह बादशाह ये तीनों एक साथ वर्क किया करते थे और उनका एक ग्रुप था जो कि माफिया मुंडीर नाम से था तो ऐसा क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद वो एक दूसरे का शक्ल तक भी देखना नहीं पसंद करते थे उसे जाने से पहले हम देखते हैं हनी सिंह बादशाह और रफ्तार के बारे में और वही मैं बात करूं हनी सिंह के बारे में और इनका रियल नाम हृदय सिंह जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं और इन्होंने इस इंडस्ट्री में 2003 से स्टार्ट की थी अपना रैप करना और उसके बाद इन्होंने लगातार काफी बैक टू बैक हिट्स रैप सॉन्ग्स निकाले जो कि आप लोगों ने कितनी बारी सुने होंगे और कितने लोग तो मतलब उस टाइम पे पागल थे इनके एक सॉन्ग के लिए और वहीं पे इन रैप की वजह से इन पे काफी सारे एलिगेशंस भी लगे हुए हैं जैसे कि 31 दिसंबर 2012 का एक लखनऊ में कॉन्सर्ट था उसे बंद करा दिया गया और उन पे FIR दर्ज करा दी गई और ये FIR दर्ज हुई थी अमिताभ ठाकुर के द्वारा जो कि एक IPS ऑफिसर भी थे और उनका कहना ये था कि इनके सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अश्लील और महिलाओं के खिलाफ और अपराध को बढ़ावा देने वाला है और उन पे एक और एलिगेशन था एक पेरेंट्स की तरफ से और उन पेरेंट्स का कहना था कि उनका एक 5 साल का बच्चा है और उस टाइम पे हनी सिंह ने एक 4 बोतल वोडका करके एक सॉन्ग निकाला था उस पे ही ये पेरेंट्स लोगों ने कंप्लेन की थी कि अगर मेरा 5 साल का बच्चा है अगर वो ये सारी चीजें सीखता है जो कि उसकी एक एज होने के बाद ये सब सारी चीजें पता चलनी चाहिए वो अभी ये सारी चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा तो ये आगे जाके कितना ज्यादा खराब हो सकता है उनकी उसके हेल्थ के लिए और उसकी मेंटल हेल्थ के लिए तो ऐसे काफी सारे लिरिक्स की वजह से हनी सिंह को कितनी बारी ऐसे एलिगेशन को देखना पड़ा है झेलना पड़ा है और वहीं पे हनी सिंह का डाउनफॉल वो खुद को मानते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा ड्रग और बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लगे थे और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और एक टाइम पे तो ऐसा भी सुनने में आया था कि हनी सिंह अब सरवाइव नहीं कर पाएंगे लाइक वो अपनी लाइफ को सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे एक टाइम पे ये भी न्यूज चलती थी बट मैं अभी की बात करूं तो वो काफी ज्यादा फिट एंड फाइन है और अभी हनी सिंह 3.0 उन्होंने लॉन्च किया है और बहुत ही अच्छा सॉन्ग्स वो ला रहे हैं रफ्तार जिनका रियल नाम देवदासन दिलीन नायर था और इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ डांसर और फिर उसके बाद इन्होंने इक्का और लिल गोली के साथ रैप स्टार्ट किया और फिर उसके बाद रफ्तार और हनी सिंह की काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि एक टाइम पे हनी सिंह और रफ्तार साथ में वर्क किया करते थे और उनका ये मानना था कि वो कई सॉन्ग्स में उनके रफ्तार के लिखे हुए लिरिक्स को वो क्रेडिट नहीं दे रहे हैं तो इस वजह से आपस में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होती रहती थी और उसके बाद इनकी कंट्रोवर्सी होती MA/Bhantai के साथ वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था एंड देन उसके बाद इक्का जो कि इनके साथ वर्क किया करते थे वो भी इनके साथ कंट्रोवर्सी करते हैं आपने हनी भाई को जाके बोल दिया कि इक्के ने छोड़ दिया क्रू
और आप मुझे आके बोल रहे हो कि हनी भाई ने तुझे निकाल दिया। क्योंकि एक टाइम पे इक्का भी साथ में वर्क किया करते थे हनी सिंह के, और इनकी भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, और इन पे ही इक्का ने बहुत ही बढ़ चढ़ के बोला था, बहुत ही उल्टी सीधी चीजें इनको बोली थी, बट बाद में उनको रियलाइज हुआ एंड देन उन्होंने सॉरी बोला इंटरव्यू में। और ऐसे रफ्तार के काफी सारे कंट्रोवर्सीज होते रहते हैं, किसी न किसी से मुफाड़ से हुआ था और काफी सारे रैपर्स के साथ हो जाता है इनका। बादशाह इनका रियल नेम प्रतीक सिंह सिसोदिया है और ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, और इनकी करियर की शुरुआत होती है एज अ रैपर प्रोड्यूसर, और म्यूजिक इंडस्ट्री में इनका सबसे पहले नाम कूल इक्वल हुआ करता था, और इसके बाद इन्होंने चेंज करके इस बॉय बादशाह रखा था। और इनके भी काफी सारे न्यूज और काफी सारे कॉन्ट्रोवर्सीज होते रहते हैं, जैसे कि एक केस पता चला था कि इन्होंने एक खनक करके एक सॉन्ग था उनमें लॉर्ड शिवा को कुछ गलत बोल दिया था या गलत प्रोनाउंस कर दिया था, इसकी वजह से काफी मीडिया और काफी सारे लोग इनको हेट देना स्टार्ट कर दिया थे। और कुछ टाइम बाद ही बादशाह ने ये प्रॉमिस किया कि ये सॉन्ग्स को वो उनके लिरिक्स को वो हटा देंगे, उनकी जो भी वो पॉइंट्स थे, एंड देन उन्होंने माफी भी मांगी ये सारी चीजों में। और उनके फिर और भी सारे कंट्रोवर्सीज होते हैं, जैसे हनी सिंह के साथ भी हुआ था। सो दैट्स द पॉइंट ना, सो हनी वाज कंसंट्रेटिंग ऑन हिज करियर, सिर्फ अपने करियर पे वो कंसंट्रेट कर रहे थे आई थिंक। ऐसे इनके भी काफी सारे कंट्रोवर्सीज हुए हैं हनी सिंह के साथ। माफिया मुंडीर, माफिया मुंडीर एक बैंड था जो कि 2006 में हनी सिंह ने बनाया था, और उसमें सब कुल 5 मेंबर थे, जिसमें हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, इक्का, लिल गोलू, ये 5 मेंबर्स हुआ करते थे माफिया मुंडीर में। और ये एक टाइम पे काफी सॉन्ग्स निकाले थे इन्होंने, और फिर उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी होने लगी, आपस में बातचीत नहीं बनी, और सबसे पहले लेफ्ट किया था इक्का ने, जो कि एक अंडरग्राउंड रैपर थे, उन्होंने लेफ्ट किया। देन उसके बाद उसको लेफ्ट किया 2009 में बादशाह ने, क्योंकि उनका भी यही कहना था कि वो जो भी सॉन्ग्स या फिर हनी सिंह के जो भी फेमस हिट सॉन्ग्स निकाल रहे थे उनमें उनका लिरिक्स था, वो उनको क्रेडिट नहीं दे रहे थे और वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, इस वजह से उन्होंने ये लेफ्ट आउट किया बैंड। देन उसके बाद ऐसे ही रफ्तार एंड देन लिल गोलू, धीरे धीरे ये पूरा बैंड को 2012 में डिसबैंड कर दिया था। और अभी हाल में ही हनी सिंह ने राजशमानी पॉडकास्ट पे उन्होंने ये माफिया मुंडीर पे ये बात बोली। माफिया मुंडीर का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था और माफिया का सबसे इंस्पायर्ड प्रिंसिपल क्या है जिस वजह से मैंने ये नाम रखा, विच इज रिस्पेक्ट योर हायरार्की। जो लड़के ये बोलते हैं कि हम माफिया मुंडीर में थे और मुझे हनी बोलते हैं, वो माफिया मुंडीर में कभी थे ही नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे काफी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हनी सिंह, रफ्तार, बादशाह, इक्का, लिल गोलू में हुआ था, छोटी छोटी चीजों पे ही ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गई थी, बट स्टिल अभी की बात करें तो ये काफी ज्यादा अच्छी हो गई हैं। अब जैसे इक्का रफ्तार के साथ कोलैब करके सॉन्ग्स निकाले थे, और वहीं पे बादशाह रफ्तार के साथ कोलैब करके निकाले थे, बादशाह इक्का के साथ कोलैब करके निकाले थे, तो ऐसे काफी सारे कोलैब्स आ रहे हैं। और अभी ये भी सुनने में आया है कि शायद हनी सिंह बादशाह कोलैब करने वाले हैं, कोई नया एल्बम आने वाला है उनका, कोई नया सॉन्ग आने वाला है, मैं तो ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आज की वीडियो यही थी, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज से लाइक जरूर करके जाइएगा, और आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय माता दी।